जी को पता लगा, भगवान सरस्वती को, माँ सरस्वती को पता लगा कि आज लक्ष्मी को कुछ भगवान ने दिया है, वो भी कहीं भगवान विष्णु के पास, और कहा कि आपने लक्ष्मी को कुछ दिया है, वरदान दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा। समझे आप, ये कभी इनसे दौलत छीनेगी ही नहीं इस परिवार से, ये भगवान ने वादा किया है, ये हमेशा इनके साथ रहेगा, ये भगवान का वादा है। आज देखिए सरस्वती की देन है, ये गाने बज रहे हैं लोगों के, चले गए हैं लोग फिर भी बज रहे हैं, सैगल साहब के, मोहम्मद रफी के, किशोर कुमार के, मुकेश साहब के बज रहे हैं, ये चलता ही रहेगा, इनका सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। खुदा लता जी को लंबी उम्र दे, सेहत दे, और हमारे बुजुर्ग भी पहले कभी पैसे का जिक्र नहीं करते थे कि भगवान तुझे बहुत रिच बनाए, बहुत पैसा दे, खुदा सेहत दे और इज्जत दे, पैसे हम खुद कमा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ये बहुत ही सम्मानित पुरस्कार की विधि पूरी होती है, मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी नजरें दौड़ाएं इस स्टेज की ओर और एक बार आज की शाम की सबसे गड़गड़ाती हुई, सबसे जरा तड़तड़ाती हुई तालियां हो जाए फॉर ऑल ऑफ यू हियर। सुधीर जी धन्यवाद। इसके बाद हम ऐसी हस्ती को पुरस्कार दे रहे हैं जिनको पुरस्कार देते वक्त कुछ भी रिक्वेस्ट करने के बजाय आप सब खड़े हो जाएंगे। उनका नाम है CRPF डायरेक्टरेट जनरल विजय कुमार जी। मैं मोहन जी से प्रार्थना करता हूं आप उनका सम्मान करें। भाई जी अंकल जी, अंकल जी थोड़ा सा सर, थोड़ा सा या ठिकाणी एक गोष्ट आवर्जून सांगू इच्छितो की पुलवामा इथे झालेल्या गोष्टीत जे जवान धराचे ते पडले त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मंगेशकर परिवाराच्या वतीने विशेषतः आदरणीय लता मंगेशकर जींच्या वतीने 1 कोटी रुपये यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात मिळावे। त्याखेरीज रचना शहा, रशेश शहा, मयुरेश पै, अप्पा परचुरे, मीना खडीकर, महेश राठोड, उषाताई मंगेशकर, कनुभाई कपाडिया, रीवा राजकुमार राठोड, धनंजय गोखले, दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान या सगळ्यांच्या वतीनं त्यामध्ये आणखीन जवळजवळ 18 लाखाची भर घालण्यात येत आहे आणि 1 कोटी 18 लाख रुपये आपण प्रतिष्ठान आणि या सर्वांच्या वतीनं मुख्यत्वे लता दीदींच्या वतीनं सरांकडे सुपूर्त करणार आहोत। नाऊ मे आय रिक्वेस्ट, कॅन यू प्लीज स्पीक समथिंग। आप सबको नमस्कार। मंच पर उपस्थित मोहन भागवत जी, सलीम जी, हेलन जी, मधु भंडाकर जी और अन्य आदरणीय अतिथिगण जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। मैं विजय कुमार, DIG CRPF, इस प्रतिष्ठान को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक पोर्टल है भारत के वीर, जिसके तहत उस पोर्टल का के तहत मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपके बीच। तो आपने उस पोर्टल का सम्मान किया है, एक तरह से CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के शहीदों का सम्मान किया है। तो मैं पोर्टल की तरफ से, CRPF की तरफ से प्रतिष्ठान को और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस शहीदों की सहायतार्थ। तो थोड़ा मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा। करीब 2 साल पहले एक कल्पना की गई कि
सरकार की तरफ से अगर कोई शहीद होता है तो उसे सम्मानित तो किया ही जाता है मेडलों द्वारा, आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक यह है कि बहुत आप जैसे लोग, एक सामान्य नागरिक भी मदद करना चाहता है उस शहीद परिवार की, बट कोई एक जरिया नहीं था। तो एक पोर्टल की कल्पना श्री जो हमारे चर्चित अभिनेता हैं अक्षय कुमार जी के द्वारा ये कल्पना की गई, फिर गृह मंत्रालय के सहयोग से ये पोर्टल बना जिसमें आप सामान्य नागरिक कभी भी एनी टाइम पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन शहीद परिवारों को डायरेक्ट मदद भेज सकते हैं। सबसे खास बात इसमें है कि पैसा आप जो देते हैं वो डायरेक्ट जाता है शहीदों के परिवार को तुरंत उसी वक्त, एक उसकी सीमा रखी गई है 15 लाख रुपए। तो जब तक 1/16 के बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जिसमें CRPF, BSF, CISF, SSB, NDRF, NSG, आसाम राइफल इत्यादि फोर्सेज हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, उनके कोई भी शहीद होते ही अगले 2-3 दिनों में उनकी सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाती है जिसमें उनकी तस्वीर होती है शहीद की, फैमिली डिटेल्स होते हैं उनके परिवार में कौन है, और एक संक्षिप्त विवरण होता है कि किस घटना में शहादत हुई है। एक मीटर चलता रहता है ताकि वो बता पाए कि इन परिवार को कितना मिल चुका है। 15 लाख की राशि पूर्ण होते ही उसको उनकी तस्वीर जो है वहाँ से हटकर एक श्रद्धा मेमोरियल है उधर चली जाती है। तो आपको मैं बता दूँ 1/16 के बाद से करीब 260 हमारे शहीद हुए हैं हमारे वीर सैनिक, और अभी आज के डेट में 4 या 5 ही हैं। तो एक मैं साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक आप सबों को मालूम है पिछले 14 फरवरी को एक बहुत ही दुर्दांत घटना हुई, आतंकवादी अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 सैनिक एक साथ शहीद हुए जो कि छुट्टी से लौट रहे थे कश्मीर में। उसके पहले आप सभी हमारे साथ हैं, देश के हर नागरिक अपने सैन्य बलों के साथ है, बट ये मैं बताऊं कि ये ऐतिहासिक घटना ऐसी हुई कि इसके पहले पोर्टल को मिले थे करीब 45 करोड़ रुपये 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 45 करोड़ का सहयोग सामान्य नागरिकों द्वारा दिया गया, बट पोस्ट पुलवामा अटैक मतलब 14 फरवरी 2019 के बाद अगले 1.5 महीने में आप जैसे लोगों ने करीब 225 करोड़ रुपए मैं इस माध्यम से ये मंच मिला है उन सबों को धन्यवाद करने का, जिसमें आपको ये बताऊं कॉरपोरेट घराने से कुछ करोड़ के भी चेक आए हैं। और चूंकि ये समय है तो मैं एक मिनट में आपको ये भी बताऊं कि मेरे पास चूंकि पोर्टल पे मेरा ही फोन नंबर उपलब्ध है एज ए नोडल अफसर, आई वर्क एज नोडल अफसर फॉर द पोर्टल, तो दूर गाँव से फोन आते रहे हैं बीच बीच में, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से लोग करते ही हैं, और छोटे छोटे गाँव से भी लोग फोन करते रहे हैं कि हमने गाँव में मिलकर पैसा इकट्ठा किया है 4,500 रुपये कैसे भेजना है बताइए। मैं ये कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कितना पैसा भेजते हैं ये मायने नहीं रखता, आप साथ हैं। ये देश में पोस्ट पुलवामा ये पहली बार हुआ है कि देश का हर सामान्य नागरिक जिसको भी जानकारी है 10-10 रुपये के चेक आए हैं, 10-10 रुपये के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि करीब 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और ये बहुत सबसे सुखद बात इसमें यही है कि नागरिक जुड़ा है अपने देश के जो रखवाले हैं जो शहीद हमारी रखवाली करते हैं, और जैसा कभी कहा भी है किसी कवि ने कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यानंतर शेवटचं जे मनोगत ऐकायला आपण सर्वजण उत्सुक आहात, तिकडे वळण्यापूर्वी संस्थेच्या वतीनं या कार्यक्रमासाठी विशेष सहकार्य केलेल्या 1-2 व्यक्तींचा सन्मान आपण करणार आहोत, आणि त्या दोघांच्या नावं संस्थेचे आयोजकांपैकी एक जण आपल्या समोर घोषित करते। Thank you.
नमस्कार। या कार्यक्रमाला अनेकांचं सहकार्य लाभलं आहे। आम्ही केवळ त्याच्यातल्या 2 ते 3 मंडळींना इथे सन्मानित करणार आहोत। मैं यहाँ सादर निमंत्रित करता हूँ म्यूजिक मूड्स के बिमल भाई पारेख जी को और हृदयनाथ जी मंगेशकर, इनको मैं विनती करता हूँ वे उन्हें पुष्पगुच्छ देकर आशीष प्रदान करें। मैं उषादाई मंगेशकर जी से विनती करता हूँ वे उन्हें सम्मानित करें। इसके पश्चात मैं जैन सोशल ग्रुप पार्ले प्लैटिनम के परेश भाई झवेरी, उनको विनती करता हूँ वे भी उषा ताई के शुभ हाथों से पुष्पगुच्छ स्वीकार करें, शुभाशीष स्वीकार करें। मध्य रेल के श्री संजीव जी देशपांडे, इन्हें भी हम यहाँ सादर सम्मानित करते हैं। मैं फिर एक बार उषा ताई से विनती करता हूँ वे उन्हें पुरस्कार देकर पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें और उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। यानंतर आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे की आजच्या या दरवर्षी आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं उत्तम रंगत जाणाऱ्या सोहळ्यासाठी, दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठानच्या या सोहळ्यासाठी आज आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत उपस्थित आहेत, याचा आम्हाला खूप आनंद होतो। मी यानंतर आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं, प्रतिष्ठानच्या वतीनं मोहनजींना आपलं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करणार आहे, पण त्यापूर्वी मी उषाताई मंगेशकरांना विनंती करतो की दीदीच्या आग्रहावरून आपण मोहनजींना शिवरायांचा पुतळा सप्रेम द्यावा। आदिनाथ आणि उषाताई शिवरायांचा पुतळा दीदींच्या वतीनं देत आहे। आणि आता आपण ऐकूया आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत। मंच पर उपस्थित कला गगन की आकाश गंगा के सभी दैदीप्यमान तारे, ऐसे इनका वर्णन करना पड़े। हिंदी में मैं बोलूंगा क्योंकि सभी के समझ में सरलता से आ जाएगा। स्वतंत्रता मुझे दी गई है, उसका मैं लाभ ले रहा हूं। भारत की सभी भाषाएं अपनी भाषाएं हैं। मैं घूमता हूं सारे भारत में, मेरा अनुभव ऐसा है कि किस भाषा में आप बात करते हो इस पर सामने वाले को कितना समझ में आता है ये निर्भर नहीं करता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, वो भारत की भाषा हृदय की भाषा है, वो सारी दुनिया में चलती है और समान होती है। जब इस पुरस्कार के 75 वर्षों पूरे हुए तब भी मुझे यहाँ उपस्थित रहने का भाग्य मिला था। इस बार फिर से फोन आया, कार्यक्रम लगे रहते हैं तो बड़ा कठिन रहता है, परंतु एक सुविधा हो गई, देश में चुनाव चल रहा है इसलिए हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है, तो थोड़ी फुर्सत थी आज, और आज का एक कार्यक्रम था तो उसको दूसरी जगह कर दिया और मैं आ सका, क्योंकि
मंगेशकर परिवार की कला की परंपरा है, वैसे देशभक्ति की, समाज के लिए कुछ करने की भी परंपरा है। जिनके नाम से ये पुरस्कार है, मास्टर दीनानाथ जी, वो केवल कला के क्षेत्र में जाने माने थे ऐसा नहीं, वो तो था ही, लेकिन ये जो सारा उनके पास था, जो उनको भगवान ने दिया और जो उन्होंने खुद कमाया, वह सब कुछ उन्होंने कला आगे बढ़े इसके साथ साथ देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े इसकी भी लगा, इसके लिए भी लगाया। वो जमाना ही स्वतंत्रता के संग्राम का जमाना था और समाज में जागृति करने वाले लोगों में उस समय के कला जगत के सभी लोग बहुत अग्रसर थे। फिल्में निकलती थी, नाटक होते थे, गीत गाए जाते थे, उन सब में समाज की जागृति करने का उद्देश्य कहीं ना कहीं झलकता ही था। और इसलिए कलाकार ऐसा मानते थे कि हमारा कला को चरितार्थ कर रहे तो ये केवल आजीविका नहीं है, देश की सेवा करने का भी वो एक मार्ग है। और इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर दीनानाथ जी के जो नाटक थे उसमें स्वतंत्रता का संघर्ष, ये थीम कहीं ना कहीं आती थी, शौर्यता वीर वृत्ति का सम्मान। मान अपमान नाटकम यहां बैठे मराठी भाषिक तो सब जानते हैं, नाटक वैसे नाटक को मनोरंजन का साधन माना जाता है, लेकिन वो मानापान नाटक में एक धैर्यधर है, एक लक्ष्मीधर है, और लक्ष्मीधर पैसे के पीछे भागता है, धैर्यधर शौर्य के पीछे भागता है। जैसा अभी सलीम साहब ने कहा कि भगवान हमको शील और साहस दो, पैसे हम कमा लेंगे, वैसा मानने वाला होता है कि अपने में दम है तो ये बाकी सब हम कर लेंगे। अब ऐसे संन्यस्त खड़ग सावरकर जी का ऐसा कहते हैं कि सावरकर जी को ये हमारे विदर्भ में कुछ समय के बड़े जाबाज नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर वामनराव जोशी, ऐसे लोगों को नाटक लिखवाने के लिए भी प्रवृत्त किया इन्हीं लोगों ने। और इसलिए उनके गाए हुए गीत, उनके गायन की जो प्रवृत्ति थी, गायकी का ढंग ऐसे मराठी में बोलते हैं, वो सारा समाज को कार्य प्रवृत्त करने वाला, समाज में वीरता का प्रोत्साहन करने वाला था। और ऐसे कलाकार के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है और जो बुलाने वाले हैं वो केवल उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने परंपरा जीवंत रखी है अभी तक। इसलिए वो बुलाते हैं और हम जा सकते तो जाना चाहिए, इस भावना से मैं आया। और आने के बाद मुझे और अच्छा लगा कि आज सहयोग ऐसा है, सभी हमारे जो पुरस्कार के अधिकारी लोग मंच पर बैठे हैं उन सब के करने बोलने में कुछ न कुछ ऐसे आ गया है कि उसी परंपरा का स्मरण फिर से होता है। किसी ने भी पुरस्कार मिला तो श्रेय खुद लिया नहीं, मंगेशकर प्रतिष्ठान से पुरस्कार मिलता है तो उनका तो धन्यवाद करना तो स्वाभाविक बात है, करते ही है सब लोग, लेकिन उतना ही नहीं तो अपने गुरु परंपरा को याद किया। अब ये कृतज्ञता की जो भावना है उनके लिए तो सहज है, मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं आज के कार्यक्रम में ध्यान देने की बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने जिस पर ध्यान दिया और मुझे लगता है कि इन बातों पर ध्यान देने से हमको लाभ होगा इस कार्यक्रम का, वो पहली बात है कि ये सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में मूर्धन्य लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, शिखर पर के लोग हैं,
लेकिन सब लोगों ने एक कृतज्ञता का भाव अपने बोलने करने में से यहां पर आपके सामने रख दिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितना आदमी गुणवान होता है उतना वो नम्र होने लगा, जितना श्रेय उसको मिलता है वो सारा श्रेय कहीं पर दे देने वाला हो गया। तो दुनिया के बहुत सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और ऊंचे होने की राह में गिराने वाले गड्ढे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि गिरता तो वही है ना जो ऊपर जाता है, जो नीचे ही है उसके गिरने का सवाल ही नहीं रहता। तो जिसका उत्थान होता है उसी का पतन होता है, और पतन के कारणों में पहला ये रहता है कि अहंकार होता है। एक ऐसी कलाकार था मूर्तिकार, बहुत प्रसिद्ध, उसकी मूर्तियां हजारों रुपए में उस समय बिकती थी। उसका एक छोटा बालक था शिशु आयु का, वो भी अपने पैरों पर जब चलने लगा और थोड़ा बहुत बात करने लगा तो पिताजी के साथ वो भी बाजार में जाता था और देखता था पिताजी मूर्ति बनाते हैं और लोग इतने पैसे देकर उसको खरीदते हैं। तो जैसे बालक सोचता उसको लगा मैं भी करूंगा। तो भी जो मिट्टी आती थी मूर्ति बनाने के लिए उसको अपने हिसाब से कुछ आकार देकर ये मैंने बनाई हुई मूर्ति है ऐसा बोलने लगा। पिताजी ने कहा ठीक है, बालकों का बड़ा लाड़ प्यार किया जाता है। फिर वो कहा ये भी बाजार में लेके जाना है, तो बाजार में भी लेके जाते थे, रख देते थे उसके समाधान के लिए, कौन खरीदेगा उसको। लेकिन धीरे धीरे वो भी सीखने लगा तो उन मिट्टी के पेंदों को आकार आने लगा, हाथ पर आने लगे, थोड़ा सा चेहरा ध्यान में आने लगा। तो लगे हाथ इसकी भी मूर्ति चार आने में एक रुपए में ऐसी जाने लगी, उसका और उत्साह बढ़ा और बनाने लगा। ऐसा करते करते वो भी मूर्तिकार बना, पिताजी के साथ उसकी भी मूर्तियां बिकने लगी। हर बार उसकी मूर्ति बिकने के बाद वो पिताजी को पूछता था कि आपने बनाई मूर्ति को इतना पैसा मिला, मुझे इतना ही मिला, ऐसा क्यों हुआ। फिर पिताजी उसको बताते कि तुमने वो जो आंखों का रंग था उसमें जरा गड़बड़ किया, वो शेड तुमको बदलनी चाहिए वगैरह, सारी समीक्षा होती थी और उसकी कला और अच्छी होती थी। एक दिन ऐसा हुआ बाजार में उसकी मूर्ति भी पिताजी की मूर्ति जितने पैसों में बिकी उतने ही पैसों में बिक गई। वापस आते समय उसने पिताजी को कहा कि आज मेरी मूर्ति भी उतने ही कीमत में बिकी। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस आयु का तुमने वो मूर्ति जिस आयु वाले की बनाई थी उसमें बालों का रंग थोड़ा और तुमको हल्का करना चाहिए था। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया, उसने कहा हमको मत सिखाओ, मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी मूर्ति भी आपकी मूर्ति को जितने दाम मिलते हैं उसी में बिकती है। तो पिताजी ने कहा हो गई गड़बड़। तो उसने पूछा गड़बड़ क्या हो गई, तो बोले थोड़ा दिमाग ठंडा करो बाद में बता। फिर उसको ध्यान में आया कि कुछ अपनी गलती हो गई, तो थोड़ा समय जाने के बाद शांत भाव से उसने पिताजी को पूछा। तो पिताजी ने कहा कि देखो अब तक तुम मूर्ति बनाते थे, तुम्हारी मूर्ति के दाम मेरे मूर्ति के जितने तो इसके 2-4 महीने पहले ही हो चुके थे, मिले नहीं बात अलग है, लेकिन मैं जानता था वो मूर्तियां भी इतनी दाम में बिकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा नहीं क्योंकि तुम पूछते थे क्या गलती, तो मेरी मूर्ति से भी अच्छी तुम्हारी मूर्ति बन जाए तो एक एक गलती मैं बताता तुम सुधारते थे। अब तुम ये सोचने लगे हो कि तुमको मैं क्या बताऊंगा, तुम इतना जानते हो कि तुम्हें कोई कुछ न बताए तो तुम्हारा विकास भी बंद हो गया। अब ये जो बात है ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि ये नम्रता नहीं रहती। और सज्जनों का लक्षण ये रहता है कि जितने उनके गुण बढ़ते हैं, जितने वो ज्ञान से परिपक्व हो जाते, अनुभव से परिपक्व हो जाते, उतने वो नीचे भी झुकते हैं, सहज नम्र हो जाते हैं। दूसरी बात, सब लोगों ने और देश की बात कही, उनके कला में से तो प्रकट हुई है, जीवन की ऐसी बातें अपनों को बताई
पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ देश के लिए है। ये जो बात अपने सामने आई वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सावरकर जी ने कहा है, गुण सुमने मी वेची अलिया भावे की तिने सुगंधा ग्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्या। कबीर महाराज ने कहा है, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अपने आप में गुणवान होना केवल इसमें महत्व नहीं है, उपयोगी होना ये ज्यादा महत्व की बात है। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए मंच पर जितने लोग हैं उन्होंने अपनी कला की जो साधना की है उसका जितना भी प्रदर्शन करने का जो भी मौका उनको मिला होगा, उस कला की उत्कृष्टता के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम अगर फिर से एक बार याद करेंगे क्या क्या उन्होंने कैसा दिखाया, तो हमको ध्यान में आएगा कि अपने करने से हमारा समाज अधिक अच्छा हो, हमारा देश अधिक अच्छा हो, इसकी चिंता उन सब लोगों ने की है। मैं दूर से क्यों ना हो लेकिन बहुत लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को पास से जानता हूं, कुछ लोगों को दूर से जानता हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं उसमें भी यही मैंने देखा है। कहीं समाज का संस्कार ठीक हो, कहीं लोगों में हिम्मत हौसला बढ़े। कला ये बड़ा प्रभावी साधन है ना। वो सलीम साहब के डायलॉग तो एक एक सिनेमा आता था तो उसके डायलॉग चलते थे, फिर वो लोगों के रोज के बात करने में आ जाते थे। इतना प्रभाव रहता है, वो सीधा माध्यम, यानी केवल बौद्धिक गतिविधि वो तो बुद्धि तक सीमित रहती है, लेकिन ये संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, उत्कृष्ट साहित्य के माध्यम से जो जाता है वो सीधा बुद्धि से अंदर हृदय में उतर जाता है और इसलिए कृति में आता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। अपने यहाँ कला का तो उद्देश्य ही संस्कार है, सत्यम शिवम सुंदरम, यही अपना कला का दर्शन है तीन शब्दों में। और इसलिए कला की उत्कृष्टता का ऐसा उपयोग हो इसका उन्होंने ध्यान रखा है। अभी भी हनुमान जयंती हो गई ना, हनुमान चालीसा बहुत लोगों ने कहा होगा, तो उसमें वर्णन है हनुमान जी का, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर है ऐसे बहुत लोग दुनिया में मिलते हैं, होते रहे, आज भी है, कल भी रहे। लेकिन अगली पंक्ति है जो इसको पूर्णता देती है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये सब करना और ये कहीं पर दे देना, वो दे देने में शक्ति है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा जिन्होंने दे दिया, चिंता नहीं की अपना क्या होगा। अब बॉर्डर पर अपने जवान जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता क्या वहां क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई ऐसे नहीं सोचता कि वहां से जितना दूर रह सकूं उतना अच्छा, ऐसे नहीं सोचता। अपनी ड्यूटी पर सब लोग चले जाते हैं, रोज एक एक क्षण की अस्थिरता रहती होगी वहां पे, लेकिन है वहां खड़े, वो वहां खड़े हैं इसलिए हम लोग यहां बैठे। अब ये उन्होंने जो कमाया है, मेहनत करनी पड़ती है, ये ट्रेनिंग, इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है वो आपको पता है कितनी कसावट उसमें होती है, कितना तनाव रहता होगा बुद्धि पर मन पर। लेकिन ये सारा सहन करके वहां रहते हैं, और जब ऐसा समय आता है कि कुछ दिए बिना कुछ होगा नहीं तो प्राणों तक दे देते। भगवद गीता में भगवान को पाने के अधिकारी कौन लोग हैं?
तो एक तो हम जानते हैं कि बहुत तपस्या करके जो महात्मा बनते हैं साक्षात्कार कर लेते वो है, लेकिन दूसरी एक कैटेगरी भगवत गीता में उसके साथ बताई है, द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो, ये जो माया है उसका भेद करके तेज को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के लोग थे होते, एक जो हमको सबको पता है परिव्राट योग युक्त, सब छोड़कर योग युक्त होकर परिव्रज्जा करने वाला सन्यासी, और दूसरा रणेच अभिमुखे हता, रणांगण में सीने पर गोली झेलने वाला, वहां मरने वाला सीधा मुक्ति के द्वार पर, क्योंकि वहां जाने के लिए जो एक वैराग्य होना पड़ता है, एक डिटैचमेंट होना पड़ता है, वो उसके पास रहता है, सब कुछ उसका कमाया है, सब कुछ उसने दे दिया, वो देता है। ऐसे लोगों के लिए भी यहां पर इस कार्यक्रम में एक राशि दी गई। अब ये उनके लिए दी गई बात ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए भी एक संदेश है ना, हम जो ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, कला जगत में काम करने वाले लोगों ने उनका ध्यान रखा, हम अपना अपना काम करते हैं, हम भी उसका ध्यान रखें। क्योंकि आखिर है क्या, भारत है तो हम है, नहीं तो हमारी क्या प्रतिष्ठा है, ना हमारे साहित्य की प्रतिष्ठा है, ना हमारी कला की प्रतिष्ठा, हमारे किसी भी करने की बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं। अगर अगर देश हमारा प्रतिष्ठित नहीं, मार्कोनी और जगदीश चंद्र बसु, तो जगदीश चंद्र बसु ने पहले खोजा रेडियो यूनिवर्स की बात, लेकिन श्रेय मार्कोनी को ही मिलता रहा। अभी यह मान्य किया है वैज्ञानिक जगत ने कि हाँ ठीक है, मार्कोनी के पहले जगदीश चंद्र बसु ने यह खोजा था। अब ये 100 साल के बाद पता चला ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे देश ने दुनिया के पटल पर अपना एक स्थान प्राप्त किया है, उसके चलते दुनिया के लोगों को सब याद आ रहा है। जगदीश चंद्र बसु के वैज्ञानिक तपस्या की प्रतिष्ठा तब तक प्रतिष्ठित नहीं हुई जब तक भारत की नहीं हुई। ये कहानी हम सबकी है, हम भारत के लोग, भारत सुखी है, सुरक्षित है, प्रतिष्ठित है, तो हम रह सकेंगे। इसलिए हम जहां भी है और जो भी कर रहे हैं उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी भलाई के लिए प्रयास करते समय हम देश की भलाई को न भूले। तो इसलिए मुझे बड़ा आनंद हुआ, मंगेशकर परिवार से पुराना स्नेह बन गया है, और ये कार्यक्रम इस प्रकार का है, कला जगत के शिखरस्थ पुरुष यहाँ पर मिलते हैं, उनका सम्मान करने में हमको लगता है आनंद होता है, हमारा गौरव बड़ा ऐसा लगता है। लेकिन साथ साथ ये तीसरी बात मुझे लगता है कि आज ये 77वां जो कार्यक्रम हो रहा है उसका ये विशेष संदेश है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। एकच या अनुषंगाने या ठिकाणी घोषणा प्रतिष्ठानच्या वतीने करतोय, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह पुणे इथे पडद्यामागचा एक कलावंत विजय महाडिक याचं सेवेत असतानाच नुकतं अपघाती निधन झालं, त्याच्या कुटुंबियांसाठी दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठानच्या वतीनं 50,000 रुपयाची आर्थिक मदत आपण त्याकडे देऊ केली, धन्यवाद। यानंतर आपल्या आणि आमच्यामध्ये पडदा येईल, सुरक्षित सगळ्यांना ठेवणाऱ्या मंडळींच्या वतीने एक सूचना आहे की पडदा बंद झाल्यानंतर खालच्या बाजूने कोणीही वरच्या बाजूला येऊ नये, काही क्षणांसाठीच पडदा बंद राहील, त्यानंतर मध्यंतराच्या नंतर या ठिकाणी अर्जे अनमोलचा हिंदी गाण्याचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी